गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां आज सीआरपीएफ के शहीद जवान अश्विनी यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा। शहीद जवान अश्विनी यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव गाजीपुर के नूरमुड़ा क्षेत्र के चक दाऊद गांव लाया गया। सीआरपीएफ अफसर शहीद जवान अश्विनी का पार्थिव शरीर लेकर उनके पैतृक गांव चक दाऊद पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोग जिले के वीर सपूत के अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के बावजूद लोग शहीद के प्रति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। देश के इस वीर सपूत को अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गाजीपुर के रहने वाले सीआरपीएफ जवान अश्विनी यादव इन दिनों जम्मू कश्मीर में तैनात थे। कश्मीर के वंगम इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान अश्विनी अपने तीन साथियों के साथ शहीद हुए हैं, जिसके बाद आज उनका पार्थिव शरीर गाजीपुर लाया गया। पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव चक दाऊद पहुंचते ही उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग पहुंचे, जहां हम आंखों और गर्व भरे दिल के साथ लोगों ने देश के इस वीर सपूत को अंतिम सलामी दी। इस मौके पर गाजीपुर के डीएम और एसपी ने यूपी सरकार की ओर से शहीद की पत्नी और मां को राहत राशि का चेक प्रदान किया। शहीद जवान अश्विनी यादव वर्ष 2005 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। किसान पिता स्व राम सिंह यादव के सबसे बड़े बेटे अश्विनी का विवाह वर्ष 2012 में बलिया की अंशु देवी के साथ हुआ था। उनके दो मासूम बच्चे 6 वर्षीय बेटी आयशा और 3 वर्षीय बेटा आदित्य हैं। शहीद जवान की शहादत पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की है। साथ ही यूपी सरकार ने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और गांव की सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा की है। सरकार की तरफ से पूरी सहायता देंगे और अपना नंबर भी दे के गए हैं। आश्वासन दिए हैं कि आप जब भी मेरे पे फोन करेंगी आप अपने गांव का नाम और अपने पति का नाम बता दीजिएगा, तो मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करने का आपको आश्वासन देता हूं। और आपके और लिखित कुछ नहीं मिला है, मुझे मेरे बच्चों के लिए आश्वासन दिया गया है कि हाँ मतलब पढ़ाया जाएगा, मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊँ। आप क्या चाहती हैं? डीएम भी आए थे, डीएम भी कुछ दिए हैं, कुछ आपको चेक ऑफ दिए वो दिया है? नहीं, वो डीएम नहीं थे, वो कोई और थे। डीएम ही थे? डीएम नहीं, डीएम नहीं, कोई वर्दी में थे वो। पहले कुछ दिया था? इससे पहले कोई अभी आए थे? कितना मिला था? 25 लाख हम लोग मिला था और पता नहीं, हम जो भी था चेक था दिए थे, वो बोले थे अपने से अमाउंट उतना क्लियर नहीं आ रहा। आप क्या चाहती हैं सरकार से? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जीवन यापन में अपने बच्चों का जैसे इसके पापा करते थे, जैसे हर सुविधा इन सबको देते थे, मेरे लिए कोई आधार दे सरकार। डीएम साहब कह रहे हैं कि 50 लाख रुपया दिया है, एक परिवार को नौकरी दिया है, क्या आप संतुष्ट हैं? तो वो लिखित तो नहीं मिला ना, बस मुंह से बोला गया है। तो लिख के नहीं देंगे अभी, तुरंत लिख के नहीं देंगे आपको, लेकिन ये कहा उन्होंने, जब मिलेगा मीडिया से कहा उन्होंने, जब मिलेगा तो मैं सरकार की बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि मेरे दो बहुत छोटे बच्चे हैं, एक 6 साल की मेरी लड़की है वो अभी LKG में गई है, और जो मेरा 4 साल का लड़का है वो अभी नर्स PG में था अभी, तो मेरे बच्चे भी बहुत छोटे, उन सबको मुझे बहुत आगे ले जाना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी सहायता हो सरकार में करे। जो सीआरपीएफ के हमारे जवान शहीद हुए उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 40 लाख रुपये पत्नी को, 10 लाख रुपये उनके माता पिता में शहीद जीवित है उनको, कुल मिला के 50 लाख रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी सेवा में लेने की घोषणा की गई है। और ये रोड जो उनके गांव तक बनी है, उस रोड का नाम शहीद के नाम से बनी है।